क्लास आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट नंबर थर्टीन स्पोर्ट एंड मूवमेंट का इंट्रोडक्शन है आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि स्पोर्ट एंड मूवमेंट में हमने क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है यू माइट अ वेरी कॉमन इन वर्टिब्रेट द अर्थ फॉर्म विच इज जनरली फाउंड इन द सॉइल आपने कहते हैं कि मोस्टली आपने देखा हुआ आ, होगा देखा होगा एक इनवर्टिब्रेट है जो कि जिसको अर्थ ये जो जमीन का कीड़ा होता है जनरली जमीन के अंदर पाया जाता है जमीन के ऊपर पाया जाता है ठीक है हैव यू एवर था वाई इज ऑलवेज क्रॉल ऑन अ ग्राउंड आपने कभी सोचा है कि वो हमेशा जो है ग्राउंड के ऊपर क्रॉल ही क्यों करता है वाई इट इज मूव सो uh, स्लोली so वो बहुत आहिस्ता क्यों चलता है वाई इट कैन नॉट स्टैंड इरेक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स एंड अदर मैमल्स कभी आपने ये सोचा है कि वो सीधा इरेक्ट खड़ा क्यों नहीं हो सकता जैसे कि बाकी सारे मैमल्स और ह्यूम स्टेट खड़े होते हैं द आंसर टू दिस क्वेश्चन क्वेस्ट इज इट डज नॉट हैव एनी स्केलेटन विच कैन सपोर्ट इट टू स्टैंड इरेक्ट एंड मूव फास्ट तो इसका आंसर उन्होंने कहा आपको कि इसका आंसर ये है कि उनके पास जो है स्केलीटन जो आपका ढांचा है वो नहीं है ठीक है दैट्स वाई वो जो है इरेक्ट जो स्टैंड जो है वो बिल्कुल सीधा स्टैंड नहीं कर सकता और ना ही वो फास्ट मूव कर सकता है एंड प्रीवियस क्लासेज यू हैव स्टडी द ह्यूमन स्केलेटन विच नॉट ओनली गिव प्रॉपर शेप टू द ह्यूमन बॉडी आपने पिछली क्लासेज में ये चीज पढ़ी है स्केलेटन के बारे में कि वो सिर्फ और सिर्फ ना कि आपकी बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रहा है बट आल्सो प्रोवाइड स्पोर्ट फॉर मूवमेंट इसके साथ साथ वो मूवमेंट के लिए भी स्पोर्ट प्रोवाइड कर रहा है ऑल एज लोकेशन इज इज अफ कैरेक्टर ऑल एनिमल विच कैन मूव फास्ट हर वो एनिमल जो बहुत तेजी से मूव कर रहा होता है पोजेज सम टाइप ऑफ स्केलेटन हर uh, जो आपके पास मूविंग जो एनिमल है उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलीटन हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलेटन्स हर डिपेंड करता है कि ह्यूमन्स है, है, है? हैं एनिमल्स हैं कैटेगरी क्या है ठीक है लिविंग ऑर्गेनिज्म की फ्राम मूवमेंट ऑल्सो नोन एज लोकोमोशन इज अ लाइफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग एनिमल कहते हैं फ्री मूवमेंट के साथ साथ लोकोमोशन भी जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टर है लोकोमोट होना मीन एक जगह से दूसरी जगह जाना इट एनेबल दम टू यूटिलाइज द इन्वॉर्मेंट इन द बस पॉसिबल वे लोकमोशन की वजह से हम जो हैं या जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो इन्वामेंट से जो जितनी भी चीज़ें उनको चाहिए होती है यूटिलाइज करने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं एंड टू सेव दैम सेल्फ फ्रॉम प्रेटर और अपने आप को शिकारी से बचाने के लिए भी लोकोमोट हो सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह एंड एंड अ रेंज ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर और इसके साथ साथ कई इन्वायरमेंट के वो भी फैक्टर्स होते हैं फॉर ऑल टाइप ऑफ मूवमेंट द स्केलेटन प्ले अ बेसिक रोल चाहे कोई भी काम हो आपके पास जो स्केलेटन है वो बेसिक काम प्रोवाइड uh, कर रहा है ठीक है इसके साथ ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जो कि थर्टीन पॉइंट वन है वो है ह्यूमन स्केलेटन्स के ह्यूमन्स का स्केलेटन कैसा होता है ठीक है स्केलेटन डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क ऑफ हार्ड स्ट्रक्चर स्केलीटन बेसिकली कहते हैं हार्ड स्ट्रक्चर होता है, एक सी होती है जो हार्ड स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड करती है दैट प्रोवाइड फिजिकल स्पोर्ट एंड प्रोटेक्शन फॉर द बॉडीज ऑफ एनिमल एनिमल्स की बॉडी को एक तो प्रोटेक्ट कर रही है और साथ साथ फिजिकल स्पोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है ठीक है द स्केलीटन आल्सो प्रोवाइड हेल्प इन अ लोकोमोशन लोकोमोशन कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाना ठीक है अपनी जगह तब्दील करना उसको आप लोकोमोशन कहते हैं ठीक है तो कहते हैं स्केलेटन एक तो आपको हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में लाइक अदर दर्टिब्रेड द ह्यूमन स्केलेटन इज इन साइड द बॉडी अब जैसे कि हम हैं और हमारे साथ जितने भी दूसरे वर्टिब्रेड्स हैं जिनकी वटिब्री होती है वटिब्री का मतलब है जिनकी बैक बोन होती है उनको वर्टिब्रेड्स कहते हैं ठीक है थीके? इन वर्टिब्रेड्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती ठीक है थीके? तो वर्टिब्रेड्स और जिनमें हम भी आ रहे हैं और दूसरे जितने वर्टिब्रेड हैं उनकी उनका जो स्केलेटन है वो इनसाइड द बॉडी पाया जाता है अंदर हमारा स्केलेटन है हमारे स्केलेटन के ऊपर हमारे मसल्स हैं मसल्स के ऊपर स्किन है ठीक है so, सो इस वजह से इसको एंडोस्केलीटन बोला जाता है लेकिन कहते हैं द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ लिविंग टिश्यू हमारा जो स्केलेटन है वो लिविंग टिश्यूज से मिलकर बना हुआ है ठीक है इट कंटेन लिविंग्स एंड एंड आल्सो नर्व हमारे जो स्केलेटन्स के अंदर लिविंग सेल्स हैं और उसके साथ साथ नर्व्स भी हैं और ब्लड वेसल्स भी हैं इट कैन आल्सो ग्रो एंड रिपेयर इट सेल्फ अब हमारे पास जो हमारा ह्यूमन स्केलेटन है ये खुद ब खुद ग्रो कर रहा होता है ठीक है और अगर कोई किसी पार्ट को दोबारा से रिपेयर होना होता है तो वो रिपेयर भी इट खुद हो जाता है ठीक है फिर कहते हैं नेक्स्ट आपको के द ह्यूमन स्केलेटन इज कम्पोज ऑफ टू पार्ट हमारे पास जो ह्यूमन का स्केलेटन है उसके दो मेजर पार्ट होते हैं दैट इज द एक्सिकल स्केलेटन एंड द एपेंडिक्यूलर स्केलेटन ठीक है कि हमारा जितना भी स्केलेटन है पूरा ठीक है जो कि उन्होंने डायग्राम के अंदर ये शो किया हुआ है आपके पास ये हमारा स्केलेटन दो के आ, से मिलकर बना हुआ है ठीक है एक को कहते हैं एक्सियल और एक को कहते हैं पेंडिक्यूलर एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स ऑफ हेड अब जो एक्सियल स्केलेटन है वो टोटल जो है बेस कर रहा है एटी बोन्स के ऊपर ठीक है जबकि जो पेंडिक्यूलर स्केलेटन है वो वन बोन्स के ऊपर बेस कर रहा है अब जो उन्होंने एक्जियल के अंदर जो पार्ट्स रखे हैं वो आपके पास हेड नेक और चेस्ट वाला जो पोर्शन है वो उन्होंने एग्जियल स्केलेटन का नाम उसको दिया जबकि इन पार्ट्स के साथ जो बाकी दूसरे पार्ट्स बॉडी के आर्टिकुलेटेड हैं या जो जुड़े हुए हैं उसको उन्होंने अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर रखा जो कि वन ट्वेंटी सिक्स बोन्स है टोटल को अगर हम इन दोनों को काउंट करें तो टू जीरो सिक्स बन जाती है ठीक है और जबकि वो किस किस के ऊपर बेस कर रहे हैं अपेंडिकुलर आपकी लिम्स के ऊपर एंड पेक्टोरल एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन वो कहते है, कुछ ऐसे, uh, हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती उनको इनवर्टिब्रेट्स बोला जाता है थीके? जैसे कि आर्थ्रोपोर्स हैं इज आउट उसका जो आपके पास स्केलिटन uh, होता है वो आउटसाइड द बॉडी होता है दैट्स वाई उसको एक्सो आप बोलते हैं ठीक है थीके? आगे हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक्सियल स्केलेटन को जो कि हमने लास्ट अभी पिछले टॉपिक में देखा है कि एक्सियल स्केलेटन जो है वो आपके पास आपका फेस आपकी नेक और आपकी चेस्ट के ऊपर बेस कर रहा है और इसकी टोटल एटी बोन्स होती हैं ठीक है टर्म एक्सियल मीन द सेंट्रल पॉइंट अब इसको एक्सिस मतलब एक्सियल का नाम क्यों दिया हुआ है कि जो वर्ड है जो, जो टर्म एक्सियल है ये एक्सिस का जो मीनिंग होता है सेंट्रल पॉइंट अराउंड विच अदर स्ट्रक्चर आर और डिस्ट्रीब्यूटेड के मतलब आपको एक्सियल स्केलेटन इसको इसीलिए नाम दिया गया है कि ये सेंटर पॉइंट और बाकी जितनी भी बॉडी के के पार्ट की जो बोन्स हैं वो उसके साथ जुड़ी हुई हैं या वहां से वो सारी की सारी बॉडी की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है ठीक है द एक्सियल स्केलेटन लाइज इन द सेंटर ऑफ द बॉडी अराउंड विच द होल ऑफ द बॉडी इज बिल्ट एक्सियल स्केलेटन कहते हैं मिड में पाया जाता है और बाकी सारी की सारी बॉडी जो है बॉडी के जो भी बोन्स हैं वो उसके साथ मिलके या जुड़ के बिल्ट हुई हुई है ठीक है तो एक्जियल स्केलेटन इंक्लूड उसमें आपके पास स्कल आता है स्कल आपकी खोपड़ी को कहते हैं द वर्टिबल कॉलम आपकी जो बैक बोन है उसको कहते हैं रिब्स पसलियों को कहते हैं स्टर्नम चेस्ट की जो मिड में हड्डी होती है उसको आप स्टर्नम बोलते हैं ठीक है थीके? उसके बाद कहते हैं अब सबसे पहले स्कल अब देखेंगे उन्होंने जो पार्ट्स डिवाइड किए टोटल एटी बोन्स हैं अब उन एटीज में एटी बोन्स में से स्कल ने कितना कितनी कंपोजिशन है स्कल की वर्टिबल कॉलम की रिप्स के की स्टर्नम की वह वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले है स्कल स्कल इज मेड अप ऑफ क्रैनियम जो स्कल की हड्डियां होती हैं उसको क्रैनियम कहते हैं एंड द फेशियल बोन स्कल के अंदर दो चीजें आती हैं एक तो आपकी खोपड़ी वाला पोर्शन और एक जो आपका फेस वाला पोर्शन है ठीक है जो क्रेनियम कंसिस्ट ऑफ एट बोन्स विच प्रोटेक्ट द ब्रेन अब जो क्रेनियम है वो आपकी जो दिमाग की हड्डियां हैं वो टोटल एट हैं जिन्होंने ब्रेन को प्रोटेक्ट किया हुआ है वेर एज जो फोर्टीन बाकी जो फोर्टीन फेशियल बोन्स हैं ठीक है विच मेक द स्केलेटन पार्ट ऑफ द फेस और जो जिन हड्डियों ने आपका फेस बनाया हुआ है वो आपके पास टोटल फोर्टीन है सो so फोर्टीन और एट मिलके आपके पास ट्वेंटी टू बन जाती है ठीक है नेक्स्ट आपके पास है वर्टिबल कॉलम अब वर्टिबल कॉलम जो आपकी रिब्स होती हैं उनको बोला जाता है ठीक है द वर्टिबल कॉलम एक्सटेंड फ्रॉम द स्कल टू पेल्विस अब वर्टिबल कॉलम आपके पास स्कल अगर बैक बैक साइड से आप देखें तो स्कल से स्टार्ट होता हुआ आपके पेल्विक के रीजन तक जाता है पेल्विक जिधर वो जा आपकी रीढ़ की हड्डी जा पे जाके खत्म होती है उसको पेल्विक रीजन कहते हैं ठीक है इट कंसिस्ट ऑफ द बैक बोन विच विच नॉट ओनली अलाउ अस टू स्टैंड डरेक्ट बट आल्सो प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड ये जो आपके पास वर्टिबल कॉलम होता है ये सिर्फ और सिर्फ आपकी बैक बोन ही नहीं है जो आपको एक सीधा खड़ा होने में हेल्प करिए बल्कि हमारी बैक बोन के अंदर जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको भी प्रोटेक्ट कर रही है द वर्टिबल कॉलम कंसिस्ट ऑफ थर्टी थ्री वर्टिब्री द वर्ट्री बी आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन हमारे पास जो वर्टिब्रीज हैं वो थर्टी थ्री है और अपनी अकॉर्डिंग टू लोकेशन के उनके डिफरेंट नाम है बॉडी के अंदर दो सेवन वर्टिब्री प्रेजेंट इन द नेक आर कार्ड जो नेक के रीजन में पाई जाती हैं उनको सर्वाइकल वर्टिब्री बोला जाता है ठीक है जबकि ट्वेल्व वर्टिब्री विच लाइज इन द चेस्ट रीजन आर कार्ड थोरेसिक वर्टिब्री जबकि जो आपकी चेस्ट वाले रीजन में पाई जाती हैं उसको थोरेसिक वर्टिब्रिक बोला जाता है दोज फाइव वर्टिब्री विच लाइज बैक रीजन बैक रीजन आर टर्म्ड एज लम्बर वर्टिब्री जबकि कहते हैं जो पांच वर्टिब्रीज हैं वो आपके बैक वाले पोर्शन में पाई जाती हैं बैक साइड पे वो लम्बर वर्टिब्री बोला जाता है उनको एंड दोज नाइन फाउंड बिटवीन द लोअर लिम्स एरिया आर कार्ड पेल्विक वर्टिब्री जबकि जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है वर्टिब्री का जो कि नीचे आपके पास कमर जहाँ पर आपकी कमर जो बैक बोन आ, बैक आपकी होती है वो जो नीचे नीचे वाला पोर्शन होता है उसको आप पेल्विक वर्टिब्री बोलते हैं ठीक है तो पेल्विक वर्टिब्री मेक आ, मेक्स टू सेट पेल्विक वर्टिब्री के दो सेट्स होते हैं दैट इज सैक्रम एंड द कोकेक्स दो उसके आगे से आपके पास पोषण है एक आपके पास जो होता है उसको आप बोलते हो सैक्रम और दूसरे को कोकाक्स uh, ठीक है बोला जाता है आखिर ह्यूमन स्केलेटन का पूरा आपके पास उन्होंने लेबलिंग बताई हुई है पेज नंबर फिफ्टी नाइन के अंदर हम उसको भी देख लेंगे ठीक है द सैक्रम इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ इंटीरियर फाइव वटिप्री वेर एज कोकैक्स इज फाउंड बाय द फ्यूजन ऑफ फोर पोस्टीरियर वटिप्री जो आगे वाली इंटीरियर अगली वाली मिलके सेक्रम बना रही है पीछे वाली जो पोस्टीरियर चार मिलके आपके पास कोका बना रही है ठीक है फिर आपके पास नेक्स्ट आता है जो पार्ट है वो है चेस्ट बोन या आपके पास जो आपकी रिब्स होती है ठीक है देर आर ट्वेल्व पेयर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी विच आर अटैच ऑन डॉर्सल साइड विथ वर्टिप्री हमारे पास जो हमारी पसलियां होती हैं वो टोटल 24 होती हैं और पेयर्स के फॉर्म में अगर देखा जाए तो वो 12 पेयर्स में होती हैं, ठीक है थीके? जो कि आपके बैक बोन के साथ जुड़ी हुई होती हैं और आगे की तरफ आई हुई होती हैं ठीक है आउट ऑफ द ट्वेल्व इन बारह पेयर में से टेन पेयर ऑफ रिप्स कनेक्ट इंटीरियर विद द चेस्ट बोन जो दस हैं ठीक है दस पेयर जो हैं वो दरमियान में से चेस्ट बोन के साथ जुड़े हुए होंगे जो कि चेस्ट बोन का नाम है स्टर्नम डायरेक्टली आर थ्रू एन आर या तो वो डायरेक्टली अटैच होंगी या किसी भी आग के थ्रू वो अटैच होंगी ठीक है लेकिन जबकि कहते हैं रिब का केज बना रही होती है ये जो पसलियां जो हैं इन्होंने एक ढांचा सा बनाया हुआ है जो कि सपोर्ट करता है थोड़ा सा को या चेस्ट कैिटी को जिसके अंदर आपके पास जो ऑर्गन वाइटल ऑर्गन है बॉडी की जैसे कि हर्ट लंग्स ये उनको चेस्ट आपकी चेस्ट की जो बोन होती है ये हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर करी होती है ठीक जब है जबकि कहते हैं जो दो पेयर रिप के हैं जो कि नहीं अटैच आपके पास चेस्ट की बोन के साथ आर कार्ड उनको फ्लोटिंग रिप्स बोला जाता है बिकॉज दे डू नॉट अटैच विद द स्टर्नम ये आपके पास स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती ठीक है आगे हम डायग्राम को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ जाएगी इस टॉपिक की फिर आपके पास कहते हैं मिडल ईयर बोन मिडल ईयर की बात करते हैं ईच ह्यूमन ईयर हैज थ्री बोन्स कार्ड ऑसिकल तीन बोन्स आपके कान की होती हैं जिनको ऑसिकल्स कहते हैं और उनके नाम है देयर आर मैलेस इनका सैंड स्टेब्स ठीक है नेक के अंदर अब बात करें अगर हम देयर आर वन बोन इन अ नेक कॉल्ड द हायोइड बोन नेक के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बोन होती है जिसको हायोइड बोन बोला जाता है ठीक है तो टोटल ये 80 बोन्स थी आपके पास एक्सियल स्केलेटन की नेक्स्ट आपके पास टॉपिक जो है वो है आपके पास ुलर स्केलेटन पेंडीक्यूलर स्केलेटन पार्ट हैल गर्डर पेक्टोर वाले शोल्डर की हड्डी नहीं होती जो जहां से ये स्टार्ट में आपके पास जुड़ी हुई है इसको दो शोल्डर है ना आपके तो इनको पेक्टोरल गर्डर बोला जाता है पेक्टोरल गर्डर अटैच विदोर लिम्स टू द वर्टिवल कॉलम इट कम्प्राइजेस फोर बोन्स ऑफ द शोल्डर टू बोन्स साइड uh, ठीक है हमारे शोल्डर की जो बोन्स होती हैं उनको पेक्टोरल गर्डल बोला जाता है और ये आपके पास टोटल चार होती हैं दो एक साइड पे दो दूसरी साइड पे इसके साथ आर्म्स और हैंड की जो आपका बाजू है आगे फर्दर और आपका हाथ है उसके अंदर कितनी बोन्स है वो देख लेंगे द आर्म कंटेन आपका हाथ है कंटेन सिक्स बोन थ्री इन ईच आर्म जो आपकी आर्म होती है ठीक है ये जो आपकी बाजू होती है इसके अंदर तीन होती हैं एक आपके पास पीछे से जो आ रही है यहाँ तक आपके पास जो आपके पास ये आपकी कोनी होती है यहाँ तक कोनी से आगे जो बोन्स होती हैं वो आपके पास दो बोन्स होती है ठीक है दो जुड़ी हुई होती है आगे हैंड तक के पोर्शन पे सो so, टोटल तीन एक में और तीन दूसरे में टोटल जो बाजुओं की बोन्स है वो सिक्स है और हर एक की अगर काउंट की जाए तो वो तीन तीन है द हैंड्स जबकि आपके जो हैंड्स होते हैं वो फिफ्टी फोर बोन्स को कैरी कर रही हैं मतलब कि ट्वेंटी सेवन एक हाथ की और ट्वेंटी सेवन ही आपके पास दूसरे हाथ की ठीक है इसके साथ नेक्स्ट जो पार्ट है आपके पास्यूलर स्कैलिटन का वो है आपके पास पेल्विक पेल्विक ये जो जिधर से आपके पास हिप जॉइंट जो नहीं है आपके इनको पेल्विक बोला जाता है ठीक है पेल्विक गर्डल अटैच विद हाइंड लिम्स मतलब नीचे वाले जो टांगे हैं उनके साथ इसके अटैचमेंट है स्टार्ट से वर्टिबल कॉलम के साथ इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन ये दो बोन होती हैं ईच ऑन एक साइड पे एक और दूसरी साइड पे दूसरी ठीक है जबकि हाइंड लेब जिनमें आपके पास लेग और फीट आती हैं उसमें कहते हैं द लेग्स कंटेन एट बोन्स और फोर एन ईच लेग ठीक है अब आपकी जो लेग्स की टांगे हैं वो टोटल कितनी है आठ है ये इन्होंने दोनों टांगों की बताई है ठीक है चार एक टांग में चार दूसरी टांग में जबकि वाइल कहते हैं आपके पास बोथ फीट कंटेन फिफ्टी टू बोन्स ट्वेंटी सिक्स एन एच आपके पास हैंड्स के अंदर जो थी वो ट्वेंटी सेवन थी एक हाथ के अंदर जबकि फुट के अंदर अगर देखा जाए तो वो ट्वेंटी सिक्स है ठीक है ट्वेंटी सिक्स बोन्स जो हैं वो एक हाथ एक पाऊं की है और ट्वेंटी सिक्स ही आपके पास दूसरे पाओ की है ठीक है